फ्रेंड्स हम जा रहे थे मुरादनगर गंगा स्नान के लिए, तभी बीच में हमें बजरंगबली ने दर्शन दे दिए गंगा जी आने से पहले ही। तो मैं मम्मा तो लाई थी मेरे लिए बिस्किट, लेकिन मम्मा ने मुझसे पूछा कि मैं इन्हें दे दूँ, मैंने कहा हाँ दे दो। फिर जब हमने इन्हें बिस्किट दिए तो ये इतना खुश हो गए और बहुत अच्छे से बैठ गए। और ये वाला जो मंकी है ये तो आ ही नहीं रहा था, हमें से बुलाए जा रहे थे, लेकिन जब हमने बिस्किट विंडो के बाहर फेंका तो ये आके खा रहा था। लेकिन जो दूसरा वाला मंकी था वो तो इतना एक्साइटेड हो गया, हमने उसे बिस्किट ऐसे ऑफर किए तो वो खुद ही आ गया, और ये वाला मंकी तो सीधे खड़ा ही हो गया बिस्किट देख के, लेकिन आया ही नहीं लेने, वो तो जल्दी से कार पे चढ़ के आ गया। और अभी आप आगे देखो ये वो वाला मंकी कितने अच्छे से आके लेगा बिस्किट, ये तो बहुत ज्यादा नखरे दिखा रहा था और ये तो थोड़ा डरपोक भी लग रहा था, वो तो बहुत अच्छा ट्रेंड था, एकदम कॉन्फिडेंट। अब आप ही देख लो, ये देखो ये तो मटक मटक के आ गया बिस्किट लेने, और लेके चला भी गया, खुद से ही खोलने लगा और खुद से ही खा लिए। और जैसे ही दूसरा मंकी आया पीछे से, उसने सारे बिस्किट मुंह में भर लिए और भाग गया। ये देखो, देखा वो मंकी कितना समझदार था, उसे पता था कि ये वाला मंकी उसके बिस्किट छीनेगा, लेकिन उसने पहले अपने मुंह में सारे स्टॉक करके रख लिया, जब भूख लगेगी तो खा लेगा। अच्छा माया मिनी हरिद्वार, और अभी मैं जा रही हूँ जल्दी से गाड़ी में चेंज करते, फिर मैं यहाँ पे नहा दिया। बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन पापा कह रहे थे कि चलो चलो, तो फिर मैं पापा का हाथ पकड़ के गई अंदर, और पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा था, मुझे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आ रहा था, लेकिन एक फायदे की वजह से मुझे पैर में बहुत ज़्यादा पत्थर भी चुभ गए। फ्रेंड्स हमारी कार की फर्स्ट ड्राइव है, इसलिए हम गंगा स्नान के लिए आए, अदरवाइज हम वाटर पार्क जाने वाले थे, और मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, पानी भी बहुत ठंडा था, और मैंने पापा के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती भी करी, और मैं यहाँ पे मेंढक वाली स्विमिंग भी करती रही, लेकिन यहाँ पे पापा को अच्छा नहीं। और फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ अंकल भी थे जो अपनी स्लीपर्स भी धो रहे थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। फ्रेंड्स अपने जैसा सोचा था वैसा तो नहीं था, लेकिन मेरे एंजॉयमेंट के लिए अच्छा था। एक दो आंटियां तो थी लेकिन वो नहा नहीं रही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैंने यहाँ पे पूजा भी करी।
यहाँ पे मुझे स्विमिंग करके बहुत मजा भी आई है। और देखो यहाँ पे किसी ने मेरी तपस्या भंग कर दी है पीछे से मेरे ऊपर पानी डाल के। कौन है ये पापी बालक, इसको मेरा श्राप लगेगा। ये तो एक मछली की तरह तैरता हुआ दिख रहा है। अरे नहीं नहीं ये कोई मछली नहीं, ये तो मगरमच्छ। और यहाँ पे हमारे सुंदर से सूर्य भगवान दिख रहे हैं, सीनरी में जैसे दिखते हैं उससे भी ज्यादा अच्छे। और ये इधर की बैक लोकेशन है जिसपे एक ब्रिज बना हुआ है। और फ्रेंड्स यहाँ पे सेफ्टी के लिए ये भी लिखा है कि पानी कितना गहरा है, इसलिए कोई भी छोटे बच्चों को अंदर नहीं जाने दे रहा है। और इसलिए मैं भी बाहर बाहर ही मेंढक वाली स्विमिंग कर रही हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसे लोग नहा रहे थे इसलिए मम्मा पापा ने नहीं नहाया। आ गई हूँ, मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख, तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ खाने पीने। बाहर एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, चलो आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स मैं जा रही थी कुल्फी खाने लेकिन मम्मा ने मना कर दिया। हाँ पहले हेल्दी खाओ जिससे पेट भरे फिर खाना चाहिए। हेल्दी तो पता नहीं लेकिन मैं ठंडा नहीं खा सकती, देखती हूँ क्या मिलता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा, पालक पकौड़ा, आलू पकौड़ा, सारे तरीके पकौड़े थे। और कुछ चाट भी थी जैसे कि भेल पूरी, सेव पूरी और गोलगप्पे। और फ्रेंड्स हमने दूसरी टाइप छोले भटूरे, पाव भाजी ये सब भी देखा लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑयली था और बिल्कुल भी हाइजीनिक नहीं था, इसलिए पापा ने तो मना कर दिया यहाँ खाने से। इसलिए हम यहाँ तो नहीं खाएंगे, दूसरी जगह देखेंगे कुछ खाने का अच्छा मिले तो। और फ्रेंड्स आप देखो यहाँ पे इतने सारे खाने पीने के स्टॉल्स थे। और यहाँ पे मैंने देखा छोटा सा पपी घूम रहा था, किसी ने उसे थोड़ा सा भी खाना नहीं दिया जबकि इतने सारे स्टॉल्स हैं खाने के। और फ्रेंड्स ये है मुरादनगर का मिनी हरिद्वार जो फ्रंट साइड से ऐसा दिखता है। यहाँ पे गणेश जी भी हैं एंट्री के लिए। और फ्रेंड्स ये देखो ये हमारा छोटा सा पपी जिसके बारे में मैं भी बात कर रही थी, और इतना समझदार है कि जब मैंने इसे अपना हाथ दिया तो इसने भी अपना हाथ मुझे दिया। और चाट भी रहा था और इसके मिट्टी वाले पाव भी मेरे हाथ पे प्रिंट हो गए। फ्रेंड्स मेरा तो मन कर रहा था कि मैं इसे अपने साथ घर ले जाऊं लेकिन वहाँ इसकी मम्मी भी थी, इसके पापा भी थे। फिर अपने मम्मी पापा के बिना बहुत ज्यादा सैड भी होता और इसे वहाँ पे मन भी नहीं लगता। और अगर ये सैड होता तो हम इसे इतनी दूर आके छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि लोग बहुत गंदे हैं, बहुत सारे लोगों ने इसे दबा दिया लेकिन हमने इसे बचा लिया। और अभी देखो हमने इसे आम पापड़ दिया, वो तो नहीं खाया लेकिन आइसक्रीम खाए जा रहे हैं। ऐसा खाना मिल गया है, ये है काठी कबाब, ये है ग्रेवी कबाब और ये है रुमाली रोटी और ये है चटनी एंड ऑनियन। We rise like tall buildings
as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. यहीं पे होता है हमारा व्लॉग एंड और अभी हम जा रहे हैं वापस घर पे. ये है मुरादनगर का छोटा सा हरिद्वार. अगर ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द बेल आइकन. मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय.